हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फॉर लूप और लूपिंग स्टेटमेंट्स जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स थे उन सबको हमने कवर किया हमने एक बहुत डिफरेंट सा स्टेटमेंट पढ़ा जिसको हमने स्विच बोला था और स्विच के अंदर हमने एक uh, एक यूनिक कीवर्ड पढ़ा था ब्रेक जो कि हमको उस पर्टिकुलर केस से बाहर लाने में हेल्प आउट कर रहा था तो सिमिलरली हमारे पास uh, कुछ एक बेसिक स्टेटमेंट्स uh, होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू ये हमारे लूप को कंट्रोल करते हैं लूप के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं और इस कंट्रोल को हम कैसे समझते हैं आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा जब भी मैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की बात करती हूँ तो ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड uh, वर्ड है एज अ नेम सजेस्ट इट इट विल ब्रेक समथिंग इन बिटवीन दैट मींस अगर आपका कोई एग्जीक्यूशन का फ्लो चल रहा है और उसको अगर आपको बीच में ही कहीं स्टॉप देना है या बीच में ही कहीं ब्रेक देना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हो और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन और मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट ना करें एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग इट शुड कंटिन्यू सो दीज टू आर बेसिकली वेरी टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स बहुत डिफरेंट uh, स्टेटमेंट्स है ये दोनों और दोनों का वर्किंग अगर हम नाम से देखते तो हमें कई बार लगता है कि ये एक्चुअल में सेम में काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट वर्किंग इन सेम दे आर वर्किंग इन टोटली डिफरेंट मैनर एक बार समझ लेते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू होता क्या है फिर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे तो जब मैं सी प्लस प्लस की बात करती हूँ तो जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है ये आपके लूप को टर्मिनेट करता है टर्मिनेट इन द सेंस कि ये आपके लूप को वहीं पे रोक देता है और आपको लूप से बाहर लेके आ जाता है जब हमने स्विच का केस पड़ा था जब हमने स्विच के साथ उसके केस के स्टेटमेंट पढ़े थे अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होता है जो पर्टिकुलर केस उस पर्टिकुलर की को सेटिस्फाई करता है उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सारे के सारे केसेस होते हैं वो सब एग्जीक्यूट हो जाते हैं बट वी ओनली वॉन्ट अ पर्टिकुलर केस टू गेट एग्जीक्यूटेड लेकिन क्या हो रहा था वो आपके सारे केसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था अगर आपने उस समय ध्यान दिया था तो सिमिलरली फिर हमने वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट था वो क्या कर रहा था वो एक पर्टिकुलर केस को ही एग्जिक्यूट करता है और फिर आपको उस पर्टिकुलर लूप uh, से या जो भी आपका ब्लॉकऑफ स्टेटमेंट था स्विच का उससे आपको बाहर लेके आ जाता है तो यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है ब्रेक आपको कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन है आपने कोई भी लूप लगाया है जहां पे भी आपकी वो कंडीशन जो आपने स्पेसिफाई की है वो ट्रू हो जाती है तो वो उस लूप से आपको बाहर लेके आ जाता है एक बार पहले ब्रेक की फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं कोडिंग के थ्रू सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हम इसको बड़ा कर लेते हैं ले राइट मैं एक फॉल uh, लूप को ही यूज़ करती हूँ मैं इंटीरियर आई ले लेती हूँ ठीक है अब मैं इसको एक फॉर लूप लगा रही हूँ फॉर i इक्वल्स टू जीरो i इज लेस देन एंड i प्लस प्लस ठीक है आपने यहाँ पे एक ब्रेसेस ओपन किए अब मैं एक कंडीशन चेक कर रही हूँ इफ i इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू फाइव ठीक है आपने यहाँ पे लिखा ब्रेक नहीं तो आप लिख रहे हो सी आउट i और आप लिखते हो एंड लाइन ओके लेट्स जस्ट सेव इट मैं अपना कमान प्रॉम्प्ट में ही क्योंकि हम सबलाइन टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तो मैं अपने सेम प्रोसीजर से काम कर रही हूँ जी प्लस प्लस मैं मेरी फाइल का नाम लिख रही हूँ एन आई एफ डॉट सी पी पी देन मैं अपने आउटपुट फाइल का नाम भी सेम यही दे देती हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड अगर आपके कोड में कोई भी एरर नहीं है तो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू गेट एग्जीक्यूटेड एंड और आपको वो वापस आपका प्रॉम्लम दे, दे देगा कि हाँ आपके कोड में कोई भी एरर नहीं अगर कोई एरर होगी तो ऑटोमेटिकली आपको लिस्ट कर देगा हमारे कोड में फिलहाल अभी कोई एरर नहीं थी तो इसने कुछ भी लिस्ट नहीं किया है मैं एफ लिखती हूँ नाउसी वट एज आपका प्रोग्राम अगर आप इसको एक पर्टिकुलर वे में समझते हैं लेट्स से हमारे यहाँ पे लूप में हमने लिखा था फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई इज लेस देन टेन और आई प्लस प्लस फिर आपने एक कंडीशन चेक की इस फॉर लूप के अंदर कि इफ आई इज इक्वल टू इक्वल टू फाइव आपने लिखा ब्रेक और यहाँ पे आपने लिखा सी आउट ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम आपने लिखा है। अगर अब मैं इसका ड्राई रन करती हूं या मैं इसकी वैल्यूज को सब्सिट्यूट करके हम लोग रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है लेट सपोज आपकी आई की वैल्यू हम यहाँ पे करते हैं आई की वैल्यू सबसे पहले जीरो थी जैसे ही जीरो होती है वो यहाँ पे आता है वो कंडीशन चेक करता है क्या मेरी आई की वैल्यू दैट इज इज जीरो ऑटोमेटिकली सी आउट आई पे आ जाता है और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देता है दैट इज जीरो गो अप इंक्रीमेंट करेगा यहाँ से जैसे ही इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी वन इज बायल इक्वल नो सो ये वन को प्रिंट करेगा वापस इंक्रीमेंट करेगा आई इक्वल टू 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 की वैल्यू अभी भी लेस देन टेन है तो ये लूप चलता रहेगा ये फाइव से कंपेयर होगा नहीं है तो टू को भी प्रिंट करेगा सिमिलरली थ्री एंड फोर जब फोर के बाद आई की वैल्यू को ये इंक्रीज करता है डाटेड इसकी वैल्यू को ये फाइव करता है ये यह यहाँ पे आता है कंडीशन को चेक करता है क्या मेरी आई इक्वल टू इक्वल टू फाइव है ये पे होता है तो ये ब्रेक कर देता है ब्रेक का मतलब क्या होता है कि वो जिस पर्टिकुलर लूप पे उससे बाहर आ जाएगा क्योंकि अभी करंट इस लूप के अंदर एग्जिस्ट करता है तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा यानी कि यहाँ तो आपका कोड वहीं पे खत्म हो जाता है एंड यू कैन सी इन द आउटपुट आल्सो वो जीरो वन टू थ्री फोर तक ही प्रिंट कर रहा है उसके आगे उसने कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं की तो ब्रेक कीवर्ड का बेसिक पर्पस अगर हम कहना चाहते हैं तो इट्स बेसिकली विल ब्रिंग यू आउट ऑफ द लूप ये आपको लूप से बाहर लेके आ जाएगा लेकिन अगर इसको मैं सिमिलर कंसेंट्स में या सिमिलर वैल्यूज uh, के साथ देखती हूँ या एक सिमिलर प्रोग्रामिंग के थ्रू देखना चाहती हूँ तो हम एक कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक बेसिक एडवांटेज यहाँ पर यह होता है कि जो आपने कंडीशन स्पेसिफाई की है वो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपके लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आपके लूप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देगा यानी फॉर दैट पर्टिकुलर और फॉर दैट करंट आइट्रेशन जो भी आपका लूप है वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे शिफ्ट हो जाएगा यानी अगर हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं तो मैं ब्रेक की जगह यहाँ पे अगर लिख देती हूँ कंटिन्यू आप इसको सेव करेंगे ओके सो अगेन बिकॉज अब अगर आप इसके कोड को कंपेयर करेंगे दी प्रीवियस कंटेंट जो हमारा ब्रेक का कोड uh, था और कंटिन्यू का जो कोड है आप उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था वन टू थ्री फोर फाइव के कंडीशन आते ही आपका कंट्रोल जो था या जो आपका एग्जीक्यूशन था वो ब्रेक हो जाता है यानी आप लूप से बाहर आ जाते हैं बट एज सुन एज यू सी विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वहां पे आपके साथ जीरो वन टू थ्री फोर तक एक्जीक्यूट होता है फाइव के अंदर वो कुछ भी पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता है आपके लूप को नेक्स्ट आइट्रेशन पर लेके जाता है एंड दैट इज सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो दिस इज समथिंग विच इज टोटली डिफरेंट हमें कई बार लगता है कि ये हमारे लूप को ब्रेक कर रहा है बट जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो एक्चुअली आपको लूप से बाहर लेके आ जाता है और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो आपको नेक्स्ट आइट्रेशन पे ले जाता है और उस करंट आइट्रेशन पे वो कुछ भी काम नहीं करता है. ये दो स्टेटमेंट्स आपके um, आपको बहुत जगह मिलेंगे वेर एवर यू गेट स्टक इन बिटवीन आपको पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशन पे कुछ भी काम नहीं करना है तो आप वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके रेज होती कि जहाँ आपको पता है इस कंडीशन पे हमें कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करना है लेकिन मेरे बाकी का जो भी आइट्रेशन है या जो मेरी बाकी की वैल्यूज है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए तो उस केस में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्योंकि ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर में आते हैं जैसे हमने इफ़ कंडीशन पढ़ी, फॉर लूप पढ़े, डू वाइल पढ़े वहां पर भी आपका लूप का कंट्रोल स्ट्रक्चर रहता है ये आपके कंट्रोल करते हैं आपकी लूपिंग को एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको एक दे गिव यू पर्टिकुलर

बोथ टैटस ब्रेक एंड कंटिन्यू इनके प्रोग्राम्स को आप डिफरेंट डिफरेंट वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड कीप ऑन लर्निंग एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन थैंक यू एवरीबॉडी